जितना अपनी माँ का दुख होता है ऐसे ही उनकी माँ का भी मुझे दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का निधन हो गया। गांधीनगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं कमर शेख और मोहसिन शेख जी। कमर शेख जी की अगर बात करें तो वो मोदी जी की मुंह बोली बहन हैं, उनसे हम बात करेंगे। कमर जी, हीराबेन के बारे में हमने बहुत जगह पढ़ा है, सुना है कि वो सादगी पसंद महिला थी, सादा व्यवहार था और बहुत सिंपल लिविंग में वो विश्वास करती थी। क्या आपको कभी मौका मिला उनसे मुलाकात करने का, या आपकी उनसे कभी मुलाकात हो पाई, फोन पर कोई बात हो पाई? पहले तो ये बड़े दुख की बात है कि हमें ये पता चला है सुबह उठे ऐसे ही कि वो इस दुनिया में नहीं रही। वो सिर्फ ना सिर्फ मोदी जी की माँ थी, बल्कि मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की माँ थी वो। और जितना अपनी माँ का दुख होता है ऐसे ही उनकी माँ का भी मुझे दुख हो रहा है। और बहुत ही मतलब अफसोस हुआ सुनकर। ये बीमार वो थी, लेकिन अक्सर बीमार होती थी और ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार ऊपर वाले की क्या मर्जी थी वो बता नहीं सकते। पहले तो मैं यही दुआ करूंगी कि हमारे भैया नरेंद्र भाई और उनके सभी घर वालों को इस दुख को बर्दाश्त करने की ऊपर वाला ताकत दे। माँ का जाना बहुत ही जैसे कोई हमारे पास अनमोल कीमती चीज होती है और वो चली जाती है, तो चीजें तो वापस आ सकती हैं, लेकिन माँ एक ऐसी दौलत है जो कभी वापस नहीं आ सकती। सारी जिंदगी उनकी याद रह जाती है। बाकी तो मैं ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको सब को दिल में सुकून दे और उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे कि सभी को एक दिन जाना है, लेकिन माँ के जाने से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो सभी के लिए और उनके लिए मैं ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको 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 सब्र दे, सबको सबको सब्र दे। मुझे भी रोना आ जाता है, मतलब माँ का सुन के ऐसा होता है कि अपनी माँ लगती है, बस अपनी माँ जैसा फीलिंग आती है। भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। और बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही नेक और बहुत ही सादा किस्म की इंसान थी। मैंने उनको मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि जब भी हम मिलने का टाइम होता था तभी अक्सर वो बीमार रहती थी या कमजोर होने की वजह से उनसे ज्यादा मुलाकात किसी की भी नहीं हो पाती थी, बहुत कम लोग उनसे मिल पाते थे। लेकिन उनके और लोगों से मुलाकात या टीवी पर हम देखते थे या न्यूज़पेपर में देखते थे, तो उस वक्त हमें उनके बारे में सभी ये पता लगता था कि वो बहुत ही सीधे सा, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर की माँ होने के बावजूद भी वो एकदम सादा, वही सफेद साड़ी में वो, और उसी तरीके से सबसे मिलना जुलना, जो कोई उनके घर वाले थे या कोई खास लोग मिलने जाते थे तो वो इसी तरीके से सादगी के बारे में पता लगता है। और बस ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको अच्छी जगह पर रखे, बस ये दुआ करें। सर, आपकी और मैम की जब भी ऐसे मोदी जी से मुलाकात होती थी या फोन पर, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वक्त तो बातचीत करने का भी नहीं मिल पाता होगा, तो जब थोड़ी बहुत बातें भी होती थी या कभी ऐसे मिलने का मौका मिलता था, तो क्या कभी कोई ऐसा जिक्र या कोई ऐसा किस्सा उन्होंने आप लोगों के साथ साझा किया हो अपनी माँ से जुड़ा हुआ? मैं ऐसा मेरा मानना है कि मोदी साहब ने जो जाहिर जीवन और पर्सनल जीवन को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और अपने घर की बातें हो सके वहां तक, क्योंकि उन्होंने संसार तो छोड़ ही दिया था जब संघ में वो गए थे तब, तो उनकी माँ का रिश्ता उनके साथ में बहुत अटूट तब भी रहा था जब वो कुछ नहीं थे तब भी, और जब उनकी दुआओं से जब वो पीएम बने और सीएम बने या जो कुछ भी उनको उनकी जिंदगी में जो उनको हासिल हुआ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी साहब भी इतने काबिल और इतने बुद्धिमान है कि वो ये मानते हैं कि सोशल लाइफ क्या होती है और पर्सनल लाइफ क्या होती है। तो सोशल लाइफ में कभी भी उन्होंने अपनी माँ का कहीं पे भी किसी के सामने जिक्र किया हुआ ऐसा मेरे मेरे ध्यान पे अभी तक तो आया नहीं है ना, मगर वो अपने ही दिल में अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। इसका अब सबूत देने के लिए अल्फाज मेरे पास नहीं है कि वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। जी, तो मैम, आपकी मोदी जी से मुलाकात पहली बार कब हुई, और फिर राखी बांधने का ये जो सिलसिला था जो लगभग 24-25 साल से चला आ रहा है, वो शुरू कैसे हुआ? ये राखी बांधते हुए मुझे तकरीबन 28 साल हो गए हैं। वैसे पहचान तो पहले से थी, लेकिन अक्सर मेरे हस्बैंड जो है वो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, तो पेंटिंग हम करते थे तो हम दिल्ली जाकर एग्जीबिशन करते थे उनका। तो दिल्ली में मुलाकात हुई थी नरेंद्र भाई से, तकरीबन 30 32 35 साल हो गए, काफी सालों से। तब
पहली बार हम उनको मिले थे जब दिलीप भाई संगानी जो हमारे एमपी थे यहाँ गुजरात की, वो वहां थे, तो उनके घर पर मुलाकात हुई थी। और तब उन्होंने मुझे पहली बार बहन कह के मुखातिब किया था। उन्होंने कहा था कैसी है बहन, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। और मैंने कहा कितने अच्छे हैं ये, इन्होंने मुझे बहन कहा है। और मैं तो अपने माँ बाप को, मतलब फादर को तो बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, मदर को खोए हुए 15-16 साल हो गए। इसलिए जब मुझे कोई प्यार से बुलाता था या मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरा अपना है। तब तब से मैंने तय किया था कि मैं, और मुझे कराची से क्योंकि मैं थी इसलिए मुझे रक्षाबंधन के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि हाँ ये राखी बांधते हैं। तो फिर तब से मैंने उनको राखी बांधनी शुरू की। तो 28 मेरी राखी हो गई इस बार इंशाल्लाह। और मैं इसी तरह ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मेरे भैया की लंबी उम्र हो और मैं जब तक जी उनको मैं राखी बांधती रहूं और उनसे मेरा रिश्ता कायम रहे। तो इस तरीके से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और बहुत अच्छे इंसान हैं वो, जैसे पहले थे वैसे अभी हैं। मसरूफियत रहती है ज्यादा इसलिए कम मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिल से मिलते हैं जब भी मिलते हैं। ऐसी है कि वो किसी सूरत में, किसी अल्फाज से, किसी जज्बात से हम बता नहीं सकते कि माँ और बेटे की मोहब्बत क्या होती है। वो एक इतना पवित्र रिश्ता आएगा कि उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है माँ और बेटे के रिश्ते को। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले।